नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर आलम आप सभी दर्शकों का CFM न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी मिलजुल कर हंसी खुशी से ईद मनाएं, यही हमारी कामना है। आज ईद है और पूरा देश ईद की मिठास में सराबोर है। एक महीने रोजे रखने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग आज के दिन खुशियाँ मनाते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं और ईद की बधाइयाँ देते हैं। ईद है, इसमें प्रेम और मोहब्बत का स्थान हासिल है। जब लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं तो सारे गिले शिकवे भूल जाते हैं। तो आज हम लोग भी चलते हैं, आज सराबोर होते हैं ईद की मिठास में। मैं गुरविंदर सिंह, सेक्रेटरी न्यावापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चीनाकोड़ी और सेक्रेटरी गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल वेस्ट बंगाल। मुझे बहुत हर्ष और उल्लास से ये खुशी महसूस हो रही है कि मैं आज भारतवर्ष में जो पर्व मनाया जाता है ईद का, उसमें आज सभी को अभिनंदन देने में खुशी महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि हमारा भारत जो देश है वो विभिन्न विभिन्न धर्मों का देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बड़े खुशी से रहते हैं और अपना अपना पर्व त्यौहार मना के खुशियाँ एक दूसरों में बाँटते हैं। और रमज़ान के महीने के बाद जो ईद का पर्व मनाया जाता है, रमज़ान का अर्थ है रमज को जान। जो हम लोग अपने ज़िंदगी के अंदर जो गलतियाँ करते हैं उसको सुधार के हम लोग अल्लाह ताला के प्रति अपने आप को समर्पित हों और समर्पित होकर एक दूसरों के प्रति प्यार बाँटे। आज जो भारत में माहौल देखा जा रहा है, मैं कहूँ पूरे दुनिया में माहौल देखा जा रहा है कि लोग एक दूसरे के खिलाफत धर्म के आश्रय कर रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। और मैं आशा करता हूँ कि ये ईद का पावन त्यौहार दुनिया में एक संदेश दे कि ये त्यौहार जो है ये एक दूसरों के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे को गले लगाने के लिए है। जो लोग आपस में दुश्मनी करते हैं, चाहे वो मुसलमान मुसलमान हो, चाहे हिंदू मुसलमान हो, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हो, वो आपस में प्यार बांटे और एक साथ में मिलकर रहें। क्योंकि कब किसका बुलावा आ जाएगा नहीं जानते हैं, हम लोग केवल और केवल प्यार बांटे, यही हमें हमारा भारत और हमारा ये त्यौहार सिखाता है। मैं फिर से ईद के लिए सब मुसलमान भाइयों को और पूरे दुनिया के लोगों को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि ये जो पैगाम है मोहब्बत का, इखलाक का, वो सारी दुनिया में फैले। अख्तर हुसैन है, मैं आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का माइनॉरिटी डेवलपमेंट स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हूं। और जो कल हमारे देश में ईद हो रहा है, इसके लिए मैं तमाम इस देश के रहने वालों को ईद का दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ, दिल की गहराइयों से ईद का मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं भाजपा नेता हूँ और कार्यकर्ता भी हूँ। आप सभी ईद के जितने भी भाइयों हैं सबके लिए शुभकामना देता हूँ कि ये हमारा पर्व जो है एक महीना बहुत कुशल पूर्वक गुजरा है। मैं पंकज साव, कुलटी मंडल 3 के भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता, मैं अपने तरफ से समस्त देशवासियों और हमारे कुलटी वासियों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं ये कामना करता हूँ कि कल का दिन उनका मंगलमय हो और हम सब उनके साथ ईद में शामिल होकर के इस पर्व को अच्छे से मनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मुस्लिम भाइयों को ईद की हार्दिक बधाई देता हूँ। आशा करता हूँ हम सब हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर ईद को अच्छे तरह से सेलिब्रेट करेंगे ताकि हमारे समाज में एक अच्छा संदेश जाए कि हमारा समाज हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं करता है और सभी हम एक हैं।